वेरी गुड। मैं बाहर बैठ के सारी चीज़ों को अच्छे से सुन रहा था और मैंने एक ही पॉइंट नोटिस की यहाँ पे कि आप दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में काम करो और वहाँ के जो लेवल्स बनाए गए हैं, है ना, लेवल समझ में आता है? Yes. वहाँ के जो पोस्ट, जैसे अगर हम जॉब में होते हैं तो वहाँ के पोस्ट होते हैं, अगर हम किसी बिजनेस में हैं तो हमारा पायदान होता है कि इस साल हमें इतने टर्नओवर करने हैं, अगले साल हमें इतने टर्नओवर करने हैं, या फिर हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है कि हमने आज इस पोस्ट से शुरुआत की है तो आने वाले टाइम पे हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो वैसे ही हम लोगों ने नेटसअप को शुरू किया है और यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स दिए गए हैं। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है, दो टाइप के लेवल है, जिसमें एक आपका है बेसिक लेवल, इसको हम बोल सकते हैं स्टार्ट बेसिक लेवल, जिसमें हम लोग देखते हैं हमारा सबसे पहला होता है राइजिंग स्टार। स्टार्ट जो करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग जो बेसिक लेवल हमारा होता है जिसमें होता है राइजिंग स्टार, उसके बाद होता है उसके बाद हमारा लेवल होता है CA CS, जिसमें हमारा तीन टाइप का इंटरनल फेस घुसा हुआ है L1 L2 L3, और उसके बाद होता है क्लब नेट सर्व, देन आफ्टर होता है फास्ट बैक। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी हम सारे लोग स्टार्टिंग में, यानी कि हमारा जो बेसिक लेवल है वो हमें कंप्लीट करना है, जिसको हर किसी को फेस करना है। जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास एक जो परमानेंट लेवल की हम बात करते हैं, परमानेंट लेवल जो शुरू होता है वो शुरू होता है बिगिनर से करोड़पति तक, मानते हैं सर? क्योंकि एक बार आपने जो इनकम कर ली, जो आपको लेवल मिल गया, उधर से वापस आते हैं क्या? नहीं आते ना, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट लेवल। अभी तो सबसे पहले जब कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसका बेसिक तो हमें लेना पड़ेगा ना, तो ये हमारा बेसिक लेवल होगा। बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने राइजिंग स्टार किया है, बहुत सारे लोगों ने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कर रखा है और बहुत सारे लोगों का पेंडिंग है। तो हम यहाँ पे दो ही पॉइंट बोलेंगे, सबसे पहले तो अपना बेसिक लेवल कंप्लीट करिए स्टार्ट करके, देन आफ्टर आप अपने परमानेंट लेवल को अचीव करिए। जैसे ही आप अपना बेसिक लेवल स्टार्ट करके जाते हैं तो कुछ परमानेंट लेवल आपको अचीव हो जाते हैं ऑटोमेटिक, समझ रहे? क्योंकि हमारा परमानेंट जो लेवल है वो किस पे डिपेंड करता है? इनकम, इनकम पे। अभी जैसे ही आपने अपना बेसिक लेवल कंप्लीट किया तो उसमें आपने राइजिंग स्टार कंप्लीट किया तो चेक बना कि नहीं बना, इनकम हुआ नहीं हुआ? आपने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 किया, उसमें आपका चेक बना नहीं बना? बना ना, तो उसमें भी इनकम हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे ही आप बेसिक लेवल को टच करते हुए जाते हैं आगे, तो आपका जो परमानेंट लेवल है वो धीरे 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 अचीव होता चला जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है हर आदमी अगर सिर्फ बेसिक लेवल पे काम करे तो परमानेंट लेवल ऑटोमेटिक उसका गेन होता रहेगा, राइट ना? तो अभी की मीटिंग का जो मेन फोकस मैंने स्टडी किया है कि हम सारे लोगों को मेनली स्टार्ट करने के साथ बेसिक लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर समय के साथ, जैसा हम लोग की नोटिस कर रहे थे, समय के साथ अगर आपने किसी भी काम में अचीवमेंट नहीं लिया तो आपका इंपॉर्टेंस खराब हो जाता है, आप वहां पे इंपॉर्टेंस अपना नहीं बना पाते, आपको लोग वहां पे इंपॉर्टेंट रूप में नहीं देखते, राइट और रॉन्ग? राइट। पढ़ाई सभी लोग करते हैं, पढ़ाई करने के साथ कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं होता है? Yes. और कुछ बच्चे जनरली पास करते हैं, उसको लोग इम्पोर्टेंस देते हैं क्या? No. जो टॉप करता है उनको देता है ना? Yes. तो उसी तरीके से काम यहाँ पे हजारों लाखों लोग शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ कुछ लोग बेसिक लेवल स्टार्ट में ले लेते हैं। अभी जैसे जितने भी राइजिंग स्टार लिया, कंपनी के नजर में स्टार है कि नहीं है? Yes. वो जिनके साथ ज्वाइन करता है वो अपने सीनियर की नजर में स्टार बना कि नहीं बना? वो उस ग्रुप में, जिस ग्रुप पे वो ज्वाइन किया था, उस ग्रुप से वो बाहर निकला कि नहीं निकला? निकला। क्योंकि ज्वाइन करने वाले लोग सिर्फ ज्वाइन पर्सन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर यूजर है, या फिर कंज्यूमर है, लेकिन वो बंदा अपने साथ 5 लोगों को ज्वाइन करवा के क्या हो गया? राइजिंग स्टार हो गया। तो ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपने बेसिक लेवल को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो स्टारडम है, हमारे अंदर की जो कैलिबर है या क्षमता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा और एक अलग टाइप की मोटिवेशंस, और लाइफ में हमेशा एक पर्पस होना चाहिए।
पहले हम ये करेंगे तभी ना दूसरे पे फोकस करेंगे। अभी हमने ये किया ही नहीं तो दूसरे पे फोकस ज्यादा ही नहीं है। तो हमारा लाइफ में स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहले हम ज्वाइन किए तो राइजिंग स्टार करेंगे, ओके। साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जिन लोगों को हम ज्वाइन करवा रहे हैं उनका राइजिंग स्टार होना जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, बेसिक अचीवमेंट है। ये होगा जैसे कोई बंदा ज्वाइन किया एक महीने के अंदर में उसका राइजिंग स्टार हुआ, उसका पे आउट बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी पे आउट बना तो वो काम छोड़ेगा क्या? नहीं। डाउनफॉल जाएगा क्या? वो रुकेगा क्या? नहीं। जैसे उसका राइजिंग स्टार होगा वो अपने आप को मोटिवेट कर लेगा, अंदर से वो चार्ज हो जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहा? तो वो उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा पता है? L1। वो इस पे काम करेगा, वो आपको नहीं बताना पड़ेगा, वो खुद ही आकर पूछेगा, सर मैंने ये क्लास पास कर लिया, मेरा नेक्स्ट क्लास क्या होगा? तो सर L1 होगा। तो कितना होगा? अभी आपने 5 ज्वाइनिंग डाल किया, राइजिंग स्टार किया, आगे आपका कितना बिजनेस चाहिए? 20-20। नेक्स्ट जैसे ये कंप्लीट कराने आप उसकी मदद करते हैं, करेगा वो खुद ही। समझ पा रहा? जिस तरीके की बातें अभी हुई है अगर उसमें हम लोगों ने 100% फॉलो अप किया तो हर आदमी अपना काम खुद करने वाला है। समझ पा रहा? हम लोगों को सिर्फ पिनअप करना है, यानी कि उनको थोड़ा सपोर्ट करना है। हम थोड़ा मैनुअल सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा उनके टीम में जाकर मूवमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ करने वाले नहीं है। क्योंकि हर आदमी जिनको अपना करियर करना है वो खुद ही सीरियस होते हैं। हम सीधा बात बोलते हैं, हमेशा इस बात को अपने मीटिंग में बोलते हैं कि करियर जब आपका है तो काम आपको करना होगा ना, हम कौन होते हैं आपको उंगली करने वाले? बैल तो नहीं है ना हम लोग कि कोई पीछे से डंडा करेगा तो हम अपने करियर के लिए जाएंगे या फिर अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, ऐसा कुछ है क्या? हम इंसान हैं, हम अपनी जरूरतों को अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी जरूरतों को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए, कर सकते कि नहीं कर सकते? तो अपनी जरूरतों को जब हम खुद स्टडी कर सकते हैं तो क्या हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर सकते? ये कौन सी बात हो गई कि सीनियर साहब आएंगे उंगली करेंगे तो हम काम करेंगे? ये गलत बात है ना। ह्यूमैनिटी के नाते हम अपनी जरूरतों को खुद एहसास करें और काम खुद से करें। अगर हम या जितेंद्र सर या अदरवाइज कोई भी सीनियर अगर आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे फील्ड पे उतर के, ये आपके लिए लक है, आपका एक बेहतरीन दिन है, आपने एक अच्छे सिस्टम की शुरुआत की, इसके वजह से आपको आपके काम में आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। अदरवाइज दुनिया में आप जितने भी काम करते हैं अकेले करते कि नहीं करते? Yes. हाँ सर, करते कि नहीं करते? Yes. दुनिया में जितने भी काम होते हैं उसको आप अकेले करते हो, लेकिन ये दुनिया का पहला सिस्टम है जिसमें जरूरत आपकी सपोर्ट कौन करेगा? सीरियस कंपनी। जरूरत आपकी है प्रोडक्ट कौन बना रहा है? कंपनी। जरूरत आपके कंज्यूमर की है, प्रोडक्ट कौन दे रहा है? स्टॉक पॉइंट। समझिए इस बिजनेस को। Yes. इस बिजनेस की डेप्थ को समझिए, गहराई को समझिए। आपका काम 5% और बेनिफिट आपको मिलता है आपके 100% वर्क का। ड्रीम्स किसके हैं? आपके। प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। जरूरतें किसकी है? आपकी। मीटिंग लेने आता है सीनियर, थोड़ा सा आपको भी तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से मीटिंग को हम खत्म करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यही चीज ध्यान रखना है कि जो बेसिक लेवल है हमारा वो समय के साथ अगर अचीवमेंट होता है तो आपको भी काम करने में मजा आएगा और आपके टीम में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेशन बना रहेगा। और जो अचीवमेंट आप जितना टाइम में फिक्स करते हो ना वो आएगा। आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि आपका बेसिक लेवल टाइम से अचीवमेंट होता चला जाए, राइट ना। तो दो लेवल्स है, एक बेसिक लेवल और एक परमानेंट लेवल। बेसिक लेवल जैसे ही कंप्लीट होगा परमानेंट ऑटोमेटिक परमानेंट हो जाएगा, राइट ना। मीटिंग को यहीं पे खत्म करेंगे। तरह की जानकारी, नए नए टॉपिक्स को, इसी प्रकार के टॉपिक्स को आपके बीच लेके आया करूँगा हर बार हर दिन। तो आप देखते रहिए यूथ नेटवर्क कैरियर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक।